And now, ladies and gentlemen, for security management, the award being presented to Ms. Saili Savlaram Dhurat, SP, Araria, Bihar. Being awarded for taking a new initiative, special police sector, where any emergency was tackled within half an hour with dedicated teams of local police officers. हमारी अगली कैटेगरी है राज्य हेतु उत्कृष्टता पुरस्कार अवार्ड फॉर एक्सीलेंस टू स्टेट्स. सबसे पहले दिया जाता है, महसूस होती है, क्या लगता है ये अवार्ड? बहुत उत्साह महसूस हो रहा है क्योंकि इस एज में और इतनी जल्दी सर्विस में ये नेशनल अवार्ड मिलना ये बहुत ही गौरव की बात है. मेरे साथ अन्य जितने भी 19 अवार्डीज थे, टोटल अवार्डीज में सबसे यंगेस्ट मैं थी और मैं एक में वो एसपी थी जो इस अवार्ड के लिए सिलेक्ट हुई थी. तो डेफिनेटली बहुत खुशी महसूस हो रही है महिलाओं के लिए, खासकर ये पहली महिला थी पूरे जो अवार्ड मिला इस, ये इसमें कैसा लगा आपको? मतलब महिला होने के नाते तो डेफिनेटली लगता ही है कि अगर महिला इस ऊंचाई पे पहुंच रही है तो एक इंस्पिरेशन आप बन जाते हो सबके लिए. और मुझे हमेशा से इच्छा रही है कि मैं महिलाओं को, खासकर लड़कियों को, जवान लड़कियों को इंस्पायर करूं कि वो लोग अपने पैरों पे खड़े हो और आगे बढ़े, ना कि डर के किसी चीज से वो पीछे हटे. तो मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि इस अवार्ड के बाद मैंने बहुत अररिया की लड़कियों को इंस्पायर किया. किस तरह का संदेश देना चाहेंगे यहाँ? मैं लड़कियों को, महिलाओं को खासकर यही संदेश देना चाहूंगी कि प्लीज आप लोग अपने क्षेत्र में, आप जहाँ पे भी हो, आप बहुत अच्छा कार्य करें, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहे, आप लोग बोल्ड रहे, स्ट्रांग रहे अपने लाइफ में. एक लक्ष्य जरूर निर्धारित करिए कि आपको जिंदगी में क्या बनना है, क्या अचीव करना है, और उस लक्ष्य की तरफ हमेशा लड़ाई लड़ते रहिए. क्योंकि फेलियर जाने हैं, आते हैं, तो उससे डर के पीछे हटना नहीं है, बस आगे बढ़िए, आपको 100% सक्सेस मिलेगा. क्या लगता है महिलाओं के लिए किसी तरह का कार्यशाला आपके द्वारा चलाया जाएगा? फिलहाल कार्यशाला का तो मैंने सोचा नहीं है, बट हाँ, मैं जैसे एक दो स्कूल्स में जा चुकी हूँ, अपने से बोल के मैं जा चुकी हूँ ताकि मैं लड़कियों से इंटरेक्ट करूँ, खासकर इन चीज़ों पे. तो शायद मैं उसी राह पे चलूंगी कि मैं और एक दो स्कूल्स में जाके लड़कियों को प्रोत्साहित करूँ. हाँ, वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना? एक एक Thank you.